हाँ जी गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड जनरल स्टडीज सेक्शन ऑफ योर एग्जाम विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन तो वो आज हम समझेंगे आज हम वेरियस कॉम्पोनेंट समझेंगे जनरल स्टडीज के उसका थोड़ा सा एनालिसिस देखेंगे लेकिन मेनली इस लेक्चर का मेरा उद्देश्य है आपको एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस देना कि किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन एक्चुअली आ रहे हैं सो दैट यू कैन प्रायोरिटाइज योर थिंग्स कि कैसे इसको मुझे टैकल करना है है ना जो प्रायोरिटी डेवलप करनी है वो इस लेक्चर का उद्देश्य है आज रीजन बींगर में भी लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की यार इकोनॉमी में से इतने आते हैं आपके पास एक चार्ट है चाहे उसके प्रिंट आउट निकाल के आप अपने स्टडी टेबल पे लगा लो कि यार इतने क्वेश्चन जनरल स्टडीज में मेंस में ये येलिसिस सब्जेक्ट वाइज और प्रिलिम में ये सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस है तो आज हम ये सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस प्रॉपरली देखेंगे तो ये आज का लेक्चर होगा नेक्स्ट लेक्चर मैं करूँगा कि अगर मैं जनरल स्टडीज को फ्रॉम कॉन्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखूँ राइट कॉन्टेंट पॉइंट ऑफ देखूँ तो मुझे कौन से टेक्स्ट बुक्स या स्टडी मटेरियल रेफर करना है ये अलग लेक्चर करूंगा मैं तो आज हम कंसनट्रेट करेंगे सिर्फ एक ही चीज़ पर कि कितने किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन पेपर में प्रिलिम में और मेन्स में आते हैं हमने लास्ट चार से पाँच साल का एनालिसिस उठा लिया है और हम क्लियरली समझेंगे कि क्या आता है पेपर में विदाउट एनी बायस ठीक है ना सबसे पहले देख लेते हैं जर्नल स्टडीज प्रिलिम का सिलेबस क्या है अब जनरल स्टडीज प्रिलिम का हम सिलेबस देखें तो बड़ा ही वेग है बट लेकिन जैसे मैंने एक और लेक्चर पहले में बोला था कि uh, सिलेबस एक जगह पे है लेकिन करना आपको वही होता है जैसे करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस लिखा है पहले नंबर पे सेकंड इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया जिसके अंदर आपका एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट मतलब इसके अंदर एंशेंट मडीवियल एंड मॉडर्न तीनों हिस्ट्री आ गई जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ठीक है ना इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी इसमें फिजिकल सोशल इकोनॉमिक जोग्रफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड मतलब पूरा जोग्राफी का सेक्शन इसके अंदर आपका आ गया तो ये बड़ा क्लियर है हिस्ट्री पूरी तरह क्लियर है जोग्रफी पूरी तरह क्लियर है थर्ड आते हैं इंडियन पॉलिटी पे इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल सिस्टम पंचायती राज पब्लिक पॉलिसी राइट इश्यू एक्सेट्रा ये एक्सेट्रा कर दिया तो इससे पॉलिटिक का सेक्शन बड़ा क्लियर है कि हाँ पॉलिटी भी है इसके अंदर तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी बड़ी क्लियर है करंट तो है ही करंट हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी क्लियर है ना नेक्स्ट पे आता है आपका इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉवर्टी इंक्लूजन डेमोग्राफिक सेक्टर इनिशियेटिव एक्सेट्रा तो यह आपका सेक्शन आ गया पूरा इकोनॉमी का इंडियन इकॉनॉमी पूरी करनी है हमें हमें यह नहीं देखना कि सिर्फ ये क्या टॉपिक लिखे हैं क्योंकि बाद में एक्सेट्रा लिखा है ये कई बार बच्चे एक्सेट्रा देना भूल जाते हैं तो एक्सेट्रा देखने से सारी बात बदल जाती है और ये पूरी इंडियन इकोनॉमी हो जाती है और इंडियन इकोनॉमी पे हर तरह का क्वेश्चन आता है आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे भी आएगा मॉनेटरी पॉलिसी पे भी आएगा फिजिकल पॉलिसी फाइनेंशियल पॉलिसी प्लानिंग गुड आफ्टरनून बच्चों एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सब पे आएगा क्वेश्चन तो इंडियन इकोनॉमी एज अ होल करनी है हमने फिर आपका नेक्स्ट सेक्शन आ गया एन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन ये आया निकल के आ रहा है पिछले पाँच छः सालों में छः सात सालों में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये हम देखेंगे इसकी इंपॉर्टेंस आगे एंड देन आपकी आ गई जनरल साइंस अब जनरल साइंस के अंदर आपका बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और एस एन टी के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं तो लिख लो आप ये प्रिलिम में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अलावा जो टेंथ लेवल की है आपको साइंस एंड टेक के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं लाइक स्पेस न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी ओशनिक रिसर्च इस पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं ठीक है ना तो जनरल साइंस का प्रव्यू सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं है यू विल ऑल्सो बी आस क्वेश्चन फ्रॉम एस एन टी तो ये आपके जो सेक्शन हैं प्रलिम के इसका मतलब क्या आप बन गए पहले तो बन गया आपका जोग्रफी फिर आ गया आपका पॉलिटी फिर आ गया इकोनॉमी फिर आगे आपका हिस्ट्री फिर आगे आपका साइंस फिर आगे आपका एनवायरमेंट कोर्स करंट अफेयर्स तो अगर देखें तो सिलेबस आपका जो जनरल स्टडीज का प्रीलिम का है वो यही सेक्शन है पांच सेक्शन है जो कल्चर के क्वेश्चन है वो हिस्ट्री के अंदर ही पूछे जा रहे हैं सेपरेटली उन्होंने सिलेबस में कल्चर कहीं लिखा नहीं है लेकिन दो तीन क्वेश्चन चार क्वेश्चन कल्चर के हर बार आ जाते हैं बट दे आर पार्ट ऑफ द हिस्ट्री ओनली सो इट्स बेसिकली हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया तो ये बेसिकली आपको सिलेबस uh, समझ लेना है कि ये क्या है ठीक है ना नाउ कम टू मेन्स पेपर मेन्स में आपके चार पेपर हैं जी एस वन टू थ्री फोर ये थोड़ा मैं जल्दी करूंगा मैं ज्यादा टाइम लगाऊंगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे बिकॉज ये सिलेबस मोस्टली बच्चों को आजकल पता होता है कोई ऐसी बात नहीं है कि सिलेबस नहीं पता होगा है ना अब जीएस वन के अंदर आपका इंडियन हिस्ट्री आ गई सॉरी और मिडिवल नहीं है यहां पे मॉडर्न हिस्ट्री है मॉडर्न हिस्ट्री में आपका फ्रीडम स्ट्रगल आ गया और पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री भी आ गई पेपर वन के अंदर आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है पेपर और वर्ल्ड हिस्ट्री है जियोग्राफी है वर्ल्ड एंड इंडियन और सोशल इश्यूज हैं ये चार जीएस के पार्ट आपके पेपर वन में है ये क्लियर है सबको राइट right? अब जीएस टू में अगर हम देखें तो जीएस टू में इंडियन पॉलिटी है आपकी गवर्नेंस है और इंडिया एंड द वर्ल्ड है इंडिया एंड द वर्ल्ड है अब एक वहां पे डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स का पार्ट भी है पेपर टू के अंदर जिसको हम गवर्नेंस में ही एड कर रहे हैं उसको अलग भी किया जा सकता है मैं सोच रहा हूँ इस पर विचार कर रहा हूँ कि अगर उसका अलग सब्जेक्ट बना दिया जाए एक बिकॉज दो तीन क्वेश्चन पेपर में हर बार आ ही जाते हैं तो जैसे इसका कुछ पार्ट मैंने कवर किया है जो सोशल इश्यूज मैंने जब क्लासेस ली थी तो उसमें पार्ट किया था वनरेबल सेक्शन का कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज इंस्टीट्यूशन लॉज प्रोग्राम्स क्या हैं फॉर वनरेबल सेक्शन ये आपके जी पेपर टू के अंदर एक पूरा सेक्शन है तो वो हमने सोशल इश्यूज में कवर कर लिया था है ना तो ऐसे ही इसको अलग स्टेटस इसलिए नहीं मिल पाया है एक पार्ट को बिकॉज उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कवर किए जाते हैं तो इसलिए वो अलग से सब्जेक्ट नहीं बन पाया एंड थर्ड सेक्शन इंडिया एंड द वर्ल्ड है इसके अंदर जो जीएस पेपर टू में आता है और जीएस पेपर थ्री में हम देखें तो आपका इंडियन इकोनॉमी मेजर सेक्शन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सिक्योरिटी इश्यूज़ ये चार सेक्शंस आपके जी एस थ्री में है ये एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के साथ ही आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट चाहे ऐड कर लो डिज़ास्टर मैनेजमेंट को हम अलग से वेट नहीं मानते उसका एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के साथ ही इसको कंबाइन कर देते हैं देखो डिजास्टर पे कई बार क्वेश्चन ज्योग्राफी के साथ आ जाता है डिजास्टर के ऊपर क्वेश्चन कई बार गवर्नेंस के साथ आ जाता है डिजास्टर के ऊपर क्वेश्चन कई बार एनवायरमेंट के साथ आ जाता है तो आपको तीनों सब्जेक्ट्स के लिए जीएस पेपर वन टू थ्री के अंदर तैयार रहना है कि यू मे बी आस्ट द क्वेश्चन ऑन डिज़ास्टर मैनेजमेंट बिकॉज वेन वी से डिजास्टर मैनेजमेंट तो उसके ये तीनों ही आस्पेक्ट हो सकते हैं ज्योग्राफिकल आस्पेक्ट गवर्नेंस आस्पेक्ट एंड एन्वायरमेंटल आस्पेक्ट करने को सोशल आस्पेक्ट्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट भी हो सकता है सिक्योरिटी आस्पेक्ट भी हो सकता है लेकिन चलो आ, मोटे से तीन हमने ले लिए हैं तो ये चार सेक्शन जनरल स्टडीज से के आपके पेपर में आते हैं और जीएस पेपर फोर पता ही है एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड या ह्यूमन इंटरफेस ये आपका पूरा पेपर है तो ये भी मालूम है आपको कि हर पेपर जो है टू फिफ्टी मार्क्स का है एवरी पेपर इज हैविंग टू फिफ्टी मार्क्स ठीक है ना चलिए ये तो दैट इज अबस पार्ट आई थिंक ये सबको मालूम है कोई क्वेश्चन पूछना है आपने देख लो इस पार्ट में से इफ यू वॉन्ट टू आस्क एनी सी कैनी क्लेरिफिकेशन अदरवाइज आई थिंक वी शुड गो मूव हेट चुड आई मूव एट एक बार आप इसको ओके कर दो एक बार ओके करो अभी देखो सी वी हैव डिवाइडेड द होल जनरल स्टडीज इनटू नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड फ्रॉम प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू आप ध्यान से इसको समझना है इसको लिख भी लेना साथ में वी डिवाइडेड टू मेजर सेक्शंस एंड माइनर सेक्शंस नाउ दिस मेजर सेक्शन एंड माइनर सेक्शंस आर इन बेसिकली इन टू टर्म्स इन टर्म्स ऑफ द लेंथ ऑफ द सिलेबस लेंथ ऑफ द सिलेबस कि सिलेबस की कितनी देर लगती है इसको कवर करने में एंड सेकेंडली वेटेज इन द एग्जाम कितनी वेटेज है एग्जाम में या कितना ट्रेंड है कितने क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो आप आपके यहां पे चार सेक्शंस मेजर हैं देखिए ये चार सेक्शन ये चारों सेक्शन इस पूरे सिलेबस का एक तरह से बेस बनाते हैं तो ये चार सेक्शंस मेजर हैं इंडियन हिस्ट्री जिसके अंदर एंशियंट मिडीविल मॉडर्न तीनों हिस्ट्री आ गई पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन आ गया पूरा एंड पॉलिटिकल सिस्टम इकॉनमी इंडियन इकोनॉमी पूरी आ गई वर्ल्ड एंड इंडियन जोग्राफी आ गई ये चार सेक्शन मेजर हैं आप लगा के चलो और ये चारों सेक्शन प्री और मेंस दोनों में है कितनी वेटेज है हम आगे देखेंगे थ्रू दी विद हेल्प ऑफ अ चार्ट बट ये चार सेक्शन मेजर है अब आप अगर कंजर्वेटिवली लगा के चलो किस ऑन इच सेक्शन है ना तो डेढ़ महीना अगर हम एक सेक्शन पे लगाएं तब भी छः महीने इसके हो जाते हैं सिक्स मंथ्स का टारगेट uh, है इन चारों सेक्शन को कवर करने का अच्छे से अलॉन्ग विद टेस्टिंग अलॉन्ग विद रिविजन तो छः महीने के अंदर आपको चारों सेक्शन ये कवर कर लोगे अब आगे देखोगे आपके अगर ये चार सेक्शंस की मैं कम्यूलिटी वेटेज देखूँ तो करीब साठ क्वेश्चन के करीब सॉरी ज़्यादा क्वेश्चन अराउंड सेवनटी क्वेश्चंस इन चार सेक्शंस में से पेपर में पूछे जाते हैं प्रिलिम में सेवेंटी से भी ज़्यादा और ऑलमोस्ट आप लगा के चलो कि आ, हजार में से 400 नंबर का फोर टू फाइव हंड्रेड मार्क्स का पेपर 400 नंबर का पेपर इसमें से आता है चारों सेक्शन में से मतलब 70 प्लस इन प्रिलिम और 400 मार्क्स प्लस इन मेन्स वर्थ अटेम्प्टिंग वर्थ स्ट्रेसिंग है कि चार सेक्शन आप प्रॉपरली इसके ऊपर टाइम लगाओ आप ये आपने लिख लेना साथ साथ में कीप ऑन राइटिंग डाउन यू एंड माइनर सेक्शन देखें तो ये छोटे छोटे सेक्शन हैं जिसका प्रिपरेशन टाइम फिफ्टीन डेज तक हम लेते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री पंद्रह दिन में तैयार हो सकती है मतलब टेन टू फिफ्टीन डेज सोशल इश्यूज हैं ये थोड़ा ज्यादा टाइम लेंगे फिफ्टीन टू ट्वेंटी डेज इंडिया एंड वर्ल्ड टेन टू फिफ्टीन डेज सिक्योरिटी इश्यूज टेन टू फिफ्टीन एथिक्स फिफ्टीन टू ट्वेंटी डेज गवर्नेंस टेन टू फिफ्टीन जनरल साइज टेन टू फिफ्टीन एन्वामेंट फिफ्टीन टू ट्वेंटी डेज साइंस एंड टेक टेन टू फिफ्टीन कल्चर ऑफ इंडिया टेन टू फिफ्टीन ये मैंने आपको अंदाजा दिया एक मीडियम जो जनरली वो माना जाता है तो आप लगा के चलिए कि अगर इसको कम्युनिटी में लगा लूँ तो ये आपका अराउंड फाइव टू सिक्स मंथ्स का ये प्रोग्राम है कि एक महीने आपके पांच से छह महीने इन माइनर सेक्शन पर भी लग सकते हैं सारे अगर ले लें तो अगर सारे ले ले तो मतलब ये मैं प्रिपरेशन कह रहा हूं बोथ प्रिलिम एंड मेन्स की क्योंकि ये जो पांच सेक्शन है ये सिर्फ मेंस में पूछे जाते हैं और ये जो पांच सेक्शन है ये प्रिलिम में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं प्रिलिम में भी आते हैं मेंस में भी आते हैं तो अगर मैं पूरी प्री को मेंस की तैयारी ठोक बजा के बात करूं अगर किसी के पास वन ईयर टाइम फ्रेमवर्क है तो एक साल के अंदर अगर वो सिक्स टू एट आवर्स डेली लगाता है तो बारह मंथ्स का ये टाइम फ्रेम है एट आवर्स प्लस और ट्वेल्व मंथ्स में जीएस पूरी आपकी प्रिलिम और मेन्स पॉइंट से कंफर्टेबली तैयार हो सकती है इफ यू मूव विद अ वेरी फोकस्ड अप्रोच आलतू फालतू ना पढ़ो बिल्कुल सब्जेक्ट मैटर क्लियर हो आपका कि ये हिस्ट्री है इसके लिए मैंने ये पढ़ना कोई कुछ नहीं है एग्जाम इज नथिंग बट अ सेट ऑफ क्वेश्चन इफ यू प्रिपेयर वेल यू स्कोर वेल बट एवरीथिंग बॉयज डाउन टू दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जाम क्या आपकी एग्जाम की समझ ठीक है या नहीं है कि एग्जाम मांगता क्या है चाहता क्या है ये पॉलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन करना है तो वट दिस एग्जाम वॉन्ट्स ये आपने अंदर से फील किया है यह आपने समझा है क्या सो दैट इज बेसिकली द चा बी अदरवाइज बारह महीने का टाइम एट आवर्स प्लस इज सफिशेंट फॉर जनरल स्टडीज ओनली बहुत अच्छी तैयारी जिसके अंदर टेस्टिंग भी हो जाएगी बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है आपकी अभी क्वांटिटेटिव एनालिसिस है कोई इसके अंदर बायस नहीं है मेरा क्लियर है बिल्कुल क्लियर है बिल्कुल अभी मैं आपका लेक्चर एक और करूंगा जिसके अंदर हम टेक्स्ट देखेंगे आगे कि भाई प्रिलिम में मेन्स में कौन से बुक्स या स्टडी मटेरियल क्या पढ़ना है हर ये चौदह से चौदह सेक्शन जो आपके हैं ये जनरल स्टडीज़ के इसमें क्या पढ़ना है आपने और कब पढ़ना है इसको कब तैयार करना बेस्ट माना जाएगा ये बड़े क्लियर कट तरीके से मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि ये कैश इसको मतलब तैयार करना है हर सेक्शन को इसके लिए क्या क्या पढ़ना है आपको कि ये बेसिक मीन रिक्वायरमेंट है इतनी पढ़नी है बस और किस तरह से टेक्सटिंग करनी है आपको ना इसके आगे चलते हैं इसमें मैंने एक करंट अफेयर इम्प्लीकेशन का एंगल डाला है कि अगर ये सारे सेक्शन में देखूं क्योंकि इस करंट अफेयर भी एक सब्जेक्ट के तौर पे है आपके पेपर में तो अगर मैं मेजर सेक्शंस में देखूं तो ये तीन सेक्शंस में करंट अफेयर आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इकोनॉमी के सेकंड लेवल पे आते हैं पॉलिटिक और ज्योग्राफी के थर्ड मतलब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ यू से मैं बोल रहा हूँ इफ यू सी क्वेश्चन इन दिप एग्जामिनेशन तो आप देखे हुए कि इकोनॉमी के जो क्वेश्चन हैं हैव अ स्लाइटली मोर करंट ओरिएंटेशन देन द अदर थिंग तो ये तो करंट अफेयर्स जब हम तैयार करते हैं तो इट्स बोथ डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट ये हम आगे देखेंगे दोबारा जब मैं करंट अफेयर्स कैसे तैयार करना है इस पर लेक्चर्स लूंगा मैंटरिंग के अंदर मैंटरिंग के अंदर कि डायरेक्टली क्वेश्चन करंट अफेयर पे आ रहे हैं और इनडायरेक्टली करंट अफेयर यूज हो रहा है मैं दोनों एंगल से ले रहा हूं ये डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट यूसेज ऑफ करंट अफेयर इन एग्जामिनेशन जैसे इस बार देखें प्रिलिम में हम कहेंगे करंट अफेयर्स में बहुत कम क्वेश्चन आए तीन चार क्वेश्चन करंट के माने जा सकते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगले टर्म के लिए हम करंट अफेयर करना छोड़ देंगे है ना तो लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि करंट अफेयर जब हम कर रहे हैं तो हम मायूस ना हो कि भी पेपर में नहीं आया पेपर में नहीं आया लेकिन आपने जो किया है तैयारी इट विल बी ऑफ यूज इन मेन्स वो काम आएगी अब ये तो यूपीएससी की स्ट्रेटजी बदलती रहती है यूपीएससी का ओरिएंटेशन बदलता रहता है एंड दैट इज दे कीप ऑन चेंजिंग द स्ट्रेटजी तो अगर इस बार करंट पे कम क्वेश्चन आए तो डजेंट मैटर मेंस में काम आ जाएगा इंटरव्यू में काम आ जाएगा कहीं भी काम आ जाएगा करंट वो ठीक है अगर मैं माइनर सेक्शंस की बात करूं तो सोशल इश्यूज में आजकल बड़ा अच्छा स्ट्रेस फाइव टू सेवन क्वेश्चन सोशल इश्यूज के पूछे जा रहे हैं मेन्स में देन एनवायरमेंट एंड निकोलॉजी पर बहुत करंट का आता है पेपर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनरल साइंस गवर्नेंस इंडिया एंड द वर्ल्ड एंड सिक्योरिटी इशूज इन सारे सातों सेक्शन पे करंट के क्वेश्चन आते हैं तो जब भी आप न्यूजपेपर ट्रैक कर रहे हो जब भी आप कोई मैगजीन ट्रैक कर रहे हो कोई वेबसाइट ट्रैक कर रहे हो तो आपको यू हैव टू लुक आउट फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल दिस टेन सेक्शंस ये दस सेक्शन पे ही करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है बाकी ये तीन सेक्शंस हैं इसमें करंट अफेयर इनडायरेक्टली इंपॉर्टेंट हो सकता है हिस्ट्री एंड कल्चर है एथिक्स है वर्ल्ड हिस्ट्री है इसमें क्या है कि इनडायरेक्टली हो सकता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री का कोई इवेंट कोमेमोरेट किया गया है ना उसकी कोई सिल्वर जुबली थी या कोई गोल्डन जुबली थी या डायमंड जुबली थी या टू हंड्रेड ईयर्स हो गए तो उस पर क्वेश्चन क्या आप था जी एस में पूछ लें इन इन दिस वे इनडायरेक्ट क्वेश्चन ये मैं बताऊंगा आपको सारे की आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है बिकॉज वेन यू कैच होल्ड ऑफ एनी न्यूज़पेपर और मैगजीन और आप पढ़ रहे हो आर्टिकल उस आर्टिकल की मैं कहता हूं कंटेंट आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है हाउ टू डू कंटेंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन आर्टिकल की ये आर्टिकल मैं पढ़ रहा हूं तो ये कंटेंट कहां लोकेट होना है अगर आपकी कंटेंट आइडेंटिफिकेशन ट्रेनिंग हो जाए तो आप यू कैन डू वंडर्स अगर आप अखबार पर आधा घंटा भी लगा रहे हो एक घंटा भी लगा रहे हो इट विल बी वेरी मीनिंगफुल ये नहीं है कि एक घंटा लगा दिया चार दिन के बाद वो एक घंटा बेकार नो no. आप जब करके उठोगे तो कुछ ना कुछ लेके उठोगे अंदर से बिकॉज यू नो द आर्ट ऑफ कॉन्टेंट आइडेंटिफिकेशन यू नो द आर्ट ऑफ कॉन्टेंट आइडेंटिफिकेशन ये आगे कराऊंगा मैं आपको मेंटरिंग के अंदर ही चलता रहेगा ये कोर्स मेंटरिंग कोर्स मैं आपको तंग करता रहूंगा कुछ ना कुछ पूछता रहूंगा आपसे बट लेकिन अगेन यू हैव टू प्रिपेयर हार्ड देखो सारी चीज़ें आपके हार्डवर्क से हैं सारी चीज़ें आपकी मेंटल क्लैरिटी से हैं कि मैंने आई बनना है है ना मैंने अपने लाइफ में कुछ अचीव करना है उसके लिए हम मेंटरिंग लेक्चर्स कर रहे हैं मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ कि ठीक है आपको एक सही दिशा मिले एट द सेम टाइम आपको अगर हार्ड वर्क नहीं आपने किया तो सब बेकार है तो आठ घंटे का नियम तो आप बना लो अगर आपका टाइम फ्रेम वन ईयर की वन टू टू इयर्स की प्रिपरेशन है तो सिक्स टू एट आवर्स का आप अपना टाइम फ्रेम बना लो अगर आपने दो साल में पेपर देना है तो छः घंटे कम से कम जरूर पढ़ो अगर आपने सिर्फ एक साल में देना है पेपर तो आठ से दस घंटे पढ़ो अगर आपने तीन साल में पेपर देना है थर्ड ईयर में पेपर देना है तो कम से कम चार से पाँच पाँच घंटे डेली आपने नियम बनाना है कि मैंने पढ़ना ही पढ़ना है नियम है ना नियम बड़ा इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इतना मैंने पढ़ना ही पढ़ना है दुनिया छूट जाए खाना छूट जाए सोना छूट जाए लेकिन चार से पाँच घंटे मैंने पढ़ना है अपनी जो भी करना है प्लानिंग से करना है अगर दो दिन की छुट्टी लेनी है तो लेनी है पूरी दबा के कि नहीं पढ़ना है दो दिन ठीक है नहीं पढ़ा लेकिन आगे प्लानिंग होनी चाहिए कि दो दिन का कैसे कवर करना है मुझे और प्री प्लान्ड होना चाहिए चलिए ये तो कोई बात नहीं बातें चलती रहेंगी ये अब ये देखिए ये पहले आपका हमने प्रिलिम का एनालिसिस लिया प्रिलिम का एनालिसिस डिफरेंट सब्जेक्ट्स का इसमें पूरे आपके पिछले पाँच साल का एनालिसिस है कि किस तरह के क्वेश्चन आए हैं एंड यू कैन क्लियरली सी द ट्रेंड्स ट्रेंड्स आपको बड़े साफ थरे दिख सकते हैं बड़े साफ सुथरे दिखाई दे रहे हैं ट्रेंड इंडियन इकोनॉमी है इस साल 22 क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर 24, 17, 18, 19। इंडियन पॉलिटी है इसके 16 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी के 16 क्वेश्चन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के 12 क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया के 12 क्वेश्चन साइंस के 8, कल्चर के 4, गवर्नेंस के इंटरनेशनल अफेयर्स के दो और मिडिवल के दो सिक्योरिटी इश्यूज का एक अब आप ध्यान से देखें तो आप ये कह सकते हैं कि इट्स फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है फेयरली दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अगर मैं हिस्ट्री एंड कल्चर को कंबाइन कर दूं, तो आप लगा के चलो कि हिस्ट्री एंड कल्चर यहाँ पे मॉडर्न इंडिया की जगह मैं कर दूं हिस्ट्री एंड कल्चर तो ये अराउंड और चार सोलह सोलह और दो अठारह ये एटीन हो जाएंगे क्वेश्चन अठारह बारह सोलह सोलह बाईस और साइंस आपकी है आठ क्वेश्चन तो ये हट गया और गवर्नेंस को उठा के अगर मैं ऊपर ले जाऊँ पॉलिटी के अंदर तो ये भी अठारह हो गए तो बाईस अठारह सोलह बारह अठारह और आठ है ना तो आप मोटा मोटा आप मैं कहूं कि इकोनॉमी है पॉलिटी है ज्योग्राफी है साइंस है है ना और इन्वामेंट है ये पांच सेक्शन हो गए तो अगर मैं बीस पंजे सौ करूं तो यू पी एस सी इज मेंटेनिंग अ पेरिटी यू पी एस सी एक पेयरिटी से मैंटेन करिए कि पंद्रह से बीस क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं कहीं किसी सेक्शन में दोनों क्वेश्चन ज़्यादा आ गए किसी क्वेश्चन में सेक्शन में दो क्वेश्चन कम आ गया इस तरह से ना दे जस्ट ट्राइंग टू मैंटेन अ बैलेंस तो ऐसा कोई बहुत इरेशनल नहीं है और एक फेयरली क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन है है ना बट ऑन दी ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस मैंने 2020 के अकॉर्डिंग ये प्रवर्टाइज़ किया है कि इस बार इकोनॉमी के 22 आए थे 16 आए थे जियोग्रफी के 16 आए थे एनवायरमेंट के इतने आए थे हिस्ट्री के इतने आए थे लेकिन आप दिस इज लेसन नंबर वन की एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन दिखती है कहीं ना कहीं है ना तो आपको अपने सारे सेक्शंस जो यूनिवर्सिटीज के हैं उसको उनको प्रॉपरली तैयार करना है है ना कैसे तैयार करना आगे देखेंगे हम बट एक ट्रेंड समझ लीजिए पहले फैक्चुअल ट्रेंड फैक्चुअल ट्रेंड कि हाँ ये फैक्ट्स के तौर पे क्वेश्चन इस तरह से आ रहे हैं लेकिन ऐसा है कि बट एज सच कोई फिक्स्ड ट्रेंड नहीं है कि हाँ इसमें से इतने ही पूछे जाने फॉर एग्जांपल 2019 का पेपर अगर हम देखें तो वहाँ उसमें एन्वायरमेंट पे ज़्यादा आ गए जबकि पॉलिटी और जोग्राफी पे क्वेश्चन बहुत कम थे और आप दो में एनवायरमेंट और साइंस पर स्ट्रेस ज़्यादा था जबकि आप देखो 2020 में इन्वायरमेंट पे भी कम हो गए साइंस पे भी कम हो गए और ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटिक्स जो लास्ट ईयर उन्होंने इग्नोर सा किया था थोड़ा सा वो इस बार बढ़ा दिया ठीक है ना अब उसी तरह से देखो लास्ट ईयर एंशियन मेडिवल के ज़्यादा पूछ लिए थे लेकिन इस बार बहुत कम पूछे लास्ट ईयर मॉडर्न के कम पूछे थे लेकिन इस बार मॉडर्न के ज़्यादा पूछ लिए मतलब मैं अगर उन्नीस और बीस को कंपेयर करता हूँ तो आई कैन ईजिली से कि देर इज अ टोटल रिवर्सल ऑफ ट्रेंड सिर्फ इकोनॉमी को छोड़ के इकॉनमी के पहले 22 आए थे लास्ट ईयर 24 आए थे बाकी सब में उन्होंने रिवर्स कर दिया एक तरह से ट्रेंड रिवर्स कर दिया अब आप देखो ह्यूमरसली आप दो हजार का देखो आप 2018 में एनवायरमेंट पे छह क्वेश्चन सिर्फ पूछे थे कम पूछे थे और अगले 19 में सतारह कर दिए फिर सतारह के बारह कर दिए अब देखो जोग्राफी में अठारह क्वेश्चन आए थे अठारह में लेकिन फिर अगले साल कम कर दिए फिर अगले साल फिर बढ़ा दिए पॉलिटी के देखो आप पॉलिटिकारह थे बारह थे तो मतलब एक तरह से इन सी सौ टाइप में चल रहा है लाइक दिस लेकिन ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है, आप कर सकते ये नहीं आप सोच सकते कि अगले अब अगले साल पॉलिटी पे कम क्वेश्चन आएंगे हमें तो ये पांचों सेक्शन तैयार करने में आपको दिखा रहा हूँ कि बेसिकली कहाँ ये गलती कई बार हो जाती है जैसे इंटरनेशनल के लास्ट दो साल में कम क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन दो अठारह में देखें और सतारह में देखें और सोलह में देखें तो देवर नंबर फाइव प्लस क्वेश्चंस ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स एंशियन मेडिवल हिस्ट्री पे 2019 को छोड़ के स्ट्रेस कम रहा है लेकिन फिर भी नौ क्वेश्चन तो यहां आ गए ना सोचो तो यू कैन नॉट से कि अगले साल नहीं आएंगे अब ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखें तो अगले साल ज़्यादा आने चाहिए एंशियन मेडिवल के लेकिन ना आए तो ना आए आई हैव सीन नंबर ऑफ स्टूडेंट सफरिंग जस्ट बिकॉज ऑफ इम प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस डाटा वो कहते हैं जी एंशियम डेबल पे क्वेश्चन तो आते नहीं कहाँ नहीं आते भैया नौ क्वेश्चन आए हुए हैं उन्नीस में ठीक है बीस में नहीं आए ठीक है अठारह में नहीं आए ठीक है सतारह में कम आए लेकिन सोलह में फिर से क्वेश्चन थे तो आप ये देख के कि दो क्वेश्चन आए हैं या तीन क्वेश्चन आए पढ़ना छोड़ दोगे क्या अगर ये नौ आ गए दस आ गए तो क्या कर लोगे अब यहाँ दस नौ क्वेश्चन एंश मिडिवल के थे और सिर्फ छः मॉडर्न हिस्ट्री के आए थे अब कोई मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से करके गया है एंशिय मिडिवल छोड़ दिया उसने तो क्या होगा नो no. हमने टोटल हिस्ट्री देखनी है ना नौ छः पंद्रह टोटल हिस्ट्री में तो उतना ही क्वेश्चन है ना ये सब सब्जेक्ट्स के अंदर जो ट्रेंड हैं वो चेंज हो रहे हैं लेकिन ओवरऑल सब्जेक्ट्स के अंदर आप देखोगे कि क्वेश्चन उतने की पूछ रहे हैं अब 2019 का पेपर देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे पॉलिटी पे ज़्यादा कुछ पूछा ही नहीं छोड़ ही दिया लेकिन क्वेश्चन थे ये पॉलिटी के वेग से थे तो कोर जो पॉलिटी होती है वो पूछी नहीं उन्होंने ज़्यादा उन्नीस में लेकिन बीस में लोगों को पॉलिटी ने बचाया पॉलिटी के क्वेश्चन बड़े आसान आए उन्नीस में पॉलिटी का कुछ पता ही नहीं पता ही नहीं था कि क्या ऐसा हो रहा है तो आपको मैं ये सीख दे रहा हूँ इससे कि ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने का यही मकसद है कि आपको ये मान के चलना है कि यार मुझे एक ऑब्जेक्टिवली मेंटेन करना है कि बीस क्वेश्चन इकॉनमी के आने हैं बीस पॉलिटी के आने हैं बीस जोग्रफी के आने हैं बीस एनवायरमेंट के आने हैं बीस हिस्ट्री के आने हैं और इन्हीं में करंट के इन्हीं में ही कंट्रफेयर के क्वेश्चन आ जाने हैं इस तरह सोच के आपको तैयारी करनी है एंड यू हैव टू गिव जस्टिस टू ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ जर्नर स्टडीज ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ जनरल स्टडीज तो पूरा ये एनालिसिस अपने दिमाग में आपने उतार लेना है कि हाँ ये कैसे है और तैयारी करते हुए ध्यान रखना है अब 2016 में देखो इंडियन पॉलिटी के पांच क्वेश्चन आए थे वे बैक बिल्कुल साफ ही कर दिया था एक बार लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब नहीं आएंगे बाद में आ रहे हैं अगले साल ही बाईस क्वेश्चन आ गए अब जो लोग पॉलिटी को कम वेटेज दिया जिन्होंने उड़ गए वो सारे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बाईस पॉलिटी के थे दे वर करेक्टिंग द अर्लियर मिस्टेक डाटा <laughs> स्पीक्स ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स डाटा बहुत कुछ बोलता है तभी तो कहते हैं मैथमेटिक्स इज द बेस हर चीज में मैथमेटिक्स है प्रोबेबिलिटीज़ है चलिए नेक्स्ट ये हो गया क्लियर आगे चलू एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस बड़ा ही क्लियर है मैंने काफी इस पर काम किया एंड पांच साल का हमने इसको एनालिसिस इस तरह से किया हमारे पास सारा इसका टॉपिक वाइज इस एनालिसिस कि पॉलिटी के अगर सोलह क्वेश्चन आए हैं तो किस किस टॉपिक में से आए हैं वो हम अलग से जब पॉलिटी का हाउ टू प्रिपेयर पॉलिटी इन जनरल स्टडीज अलग से जब लेक्चर करेंगे उसका तो उसमें हम टॉपिक वाइज एनालिसिस करेंगे कि पॉलिटी के अंदर कौन कौन से टॉपिक का ट्रेंड है भाई फंडामेंटल राइट पे कितने आए या डी पी एस पीज पे कितने आए फंडामेंटल ड्यूटी पे कितने आए प्रेसिडेंट पे कितने आए, आए लोकसभा राज्यसभा इस तरह से सारा एनालिसिस आपके सामने आ जाएगा कि क्या ट्रेंड अगर उसमें कुछ है तो बट अगर मैं नट में बात करूं तो दैट डिटेल इज डिफरेंट बट आपको जो मोटी सी तैयारी करनी है इफ यू आर प्रिपेयरिंग इन अ वन प्लस ईयर टाइम फ्रेमवर्क तो आपको ये याद रखना है कि मुझे सारे सेक्शंस मेजर ध्यान से करने हैं आई कांट लीव एंशियंट आई कांट लीव मीडीवल आई कांट लीव बायो फिजिक्स केमिस्ट्री आई कांट लीव चलिए मेन्स में देखते हैं आप मेन्स में देखिए जीएस पेपर वन में सोशल इश्यूज जोग्राफी कल्चर वर्ल्ड हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री अब देखिए सोशल इश्यूज में पांच क्वेश्चन आए ज्योग्राफी में छह क्वेश्चन आए थोड़ा सा गलत हो गया लगता है कुछ दो तीन क्वेश्चनों का गैप है इसमें मैं देख लूंगा कोई बात नहीं बट आप देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री पे एक ही क्वेश्चन है कल्चर पे एक ही है ज्योग्राफी पे एक सोशल इश्यूज़ पे 5 फाइव टू टेन क्वेश्चन देखिए ट्रेंड फाइव टू तो टेन क्वेश्चनों का ट्रेंड ज्योग्राफी का है फाइव टू तो टेन का ही सोशल इशूज़ का है तो अगर मैं अगर एनालिसिस देखूँ तो मेजर सेक्शन जो जी पेपर वन में है आपके वो सोशल इशूज़ हैं और ज्योग्राफी है कल्चर हिस्ट्री और इस सबको अगर मैं कंबाइन कर दूं तब इसके ऊपर छः क्वेश्चन हैं इसमें पाँच क्वेश्चन आए यहाँ पे सात आए इसमें सात आए सॉरी छः आए है? तो आप ध्यान से इसको ट्रेंड को अगर हम ऑब्जर्व करें तो वी कैन इजिली आउट की आ, बैलेंस आई है लेकिन अगर मैं सारे जीएस के पेपर देखूं तो पॉलिटी इकोनॉमी है ना एनवायरमेंट क्या हुआ पॉलिटी इकॉनमी लिख लीजिए आप पॉलिटी इकॉनमी एनवायरनमेंट, जोग्राफी एंड सोशल इश्यूज ऑफ कोर्स हिस्ट्री तो है तो ये ज्यादा सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी सारे माइनर सेक्शंस हैं क्या हुआ? ओके नहीं लेकिन बच्चों का तो वो नहीं आया कमेंट कोई okay. तो ये देखिए यहाँ पे अब ये चार्ट आपके लेक्चर में रहेगा कभी भी आप खोल के देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन किसमें से आ रहे हैं हल सी कोई एक दो क्वेश्चन का फर्क होगा वो देख लेंगे बट जनरल ट्रेंड यही है इकोनॉमी में से दस क्वेश्चन एवरेज आ ही रहे हैं दस क्वेश्चन एवरेज आई रहे हैं सॉरी पॉलिटी में से इकॉनॉमी में से भी देखो दस क्वेश्चन के करीब एवरेज आ रहे हैं तो आप वही हंड्रेड टू हंड्रेड टू हंड्रेड ट्वेंटी मार्क्स का पॉलिटी हंड्रेड टू हंड्रेड ट्वेंटी मार्क्स का इकोनॉमी, है ना जोग्राफी में भी देखो फाइव टू टेन क्वेश्चन या अराउंड एट टू टेन क्वेश्चन लगा लो एवरेज है ना और अपना सोशल इश्यूज में सिक्स टू एट क्वेश्चन तो आपको सोशल इश्यूज, इकोनॉमी, पॉलिटी इकॉनॉमी एंड देन एनवायरमेंट पांच से छह क्वेश्चन एनवायरमेंट पे भी आते हैं तो ये वन टू थ्री फोर फाइव ये पांच सेक्शन मेन्स पॉइंट से खास स्ट्रेस देने कोई बात नहीं हो जाएगा ठीक वो आ जाएगा रिकॉर्डिंग हुई है डोंट वरी तो दिस इज़ डाटा वाइज एनालिसिस ऑफ द होल जनरल स्टडीज पेपर ठीक है कुछ भी नहीं है उसमें ज़्यादा मैंने बात नहीं करी आई वज ऑल्सो ही मुझे इशारा कर दिया था उसने कि कट हो गया तो एज सच इज यू हेर नॉट लॉस्ट एनी थिंग यही डाटा ये डिस्कस कर रहा हूँ मैं कि डाटा ये किस तरह से पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं मतलब यू कैन जो आपके मेजर सेक्शंस हैं ना उनको तो पहले कवर करना ही करना है ये बड़ी क्लियर बात है इट्स वेरी क्लियर कि मेजर सेक्शंस हैव टू बी कवर्ड प्रॉपरली जोग्राफी हिस्ट्री इकोनॉमी पॉलिटी ये चार सेक्शंस जो हैं आपके ये आपके 70 परसेंट प्रिलिम में और 400 प्लस मार्क्स का पेपर आपका मेंस में, में पक्का है और यही जो चार सेक्शंस हैं ये आगे बेस बनाते हैं स्मॉलर सेक्शंस का बहुत सारी चीज़ें से गवर्नेंस के बहुत सारी चीज़ें पॉलिटी में कवर हो जाती हैं है ना जैसे कल्चर है हिस्ट्री में काफ़ी कवर हो जाता है है ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी है इसका बेस जनरल साइंस पे बनता है और इन्वायरमेंट एंड टेक्ोलॉजी है इसका बेस जोग्रफी में जाके बनता है इंडियन uh, वर्ल्ड है सिक्योरिटी है ये सब जोग्रफी से निकल के आती हैं जोग्रफी से बेस बनता है हिस्ट्री से जोग्राफी से इनका बेस बनता है तो ये चार सेक्शंस से अगर आप अच्छे से पहले टारगेट कर लें तो द होल जनरल स्टडीज इज़ विद इन योर रीच ठीक है सो दिस वॉज टूडेज लेक्चर जिसमें हमने एक क्वान्टिटेटिव एनालिसिस देखा कि जनरल स्टीज ये अंडरस्टैंडिंग जनरल स्टीज का एक पार्ट है क्वांटिटेटिव एनालिसिस कि कितना मेंस में आए कितने प्रिलिम्ब में आए तो वो डाटा हमने आपको निकाल के फैक्चुअल दिया है सो दैट इट इज अ रेडी रेफरेंस फॉर यू ठीक है जी तो नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे अंडरस्टैंडिंग जनरल स्टडीज इसको हम करेंगे आप फ्रॉम स्टडी मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि इकोनॉमी है तो इकोनॉमी में क्या क्या पढ़ना है आपको और क्या एन सी हैं कौन सी बुक्स हैं क्या पढ़ना है किस तरह से पढ़ना है कितना टाइम लगाना है और कब पढ़ना है रिविजन शेड्यूल क्या होगा तो बहुत ध्यान से अगला लेक्चर आपको परसों सुनना है अभी आप अपना इन्जॉय स्टडिंग जो चल रहा है सेक्शन आपका क्लास में आप अपने आप जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ो और रिगार्डिंग कोई भी आप पढ़ाई कर रहे हो कोई भी सेक्शन आप तैयार कर रहे हो आपको किसी भी तैयारी के अंदर प्रॉब्लम आती है तो इस मेंटरशिप कोर्स के अंदर आप लेक्चर के अंदर कमेंट करें तो सीधा क्वेश्चन मेरे पास आएगा ठीक है ना एंड आई विल आंसर दैट क्वेश्चन देयर देन किसी भी तरह का क्वेश्चन तैयारी के रिलेटेड आपको स्टडी मटेरियल में कोई कन्फ्यूजन है आपको कोई ट्रेंड में कन्फ्यूजन है किसी तरह का भी कन्फ्यूजन हो आपको तो दैट आई एम देयर टू सॉल्व दैट टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी ठीक है लेकिन पढ़ना आपके हाथ में है मेहनत आपने करनी है अगर आप मेहनत नहीं करोगे सब बेकार अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा सब बेकार तो हम दोनों को मिलकर काम करना है बस दैट्स इट सो थैंक यू वेरी मच थैंक यू